हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब स्टेलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से रिलीज किया गया है, और जानेंगे फुल लाइक नोटिफिकेशन डिटेल के में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल को पहले बार विजिट कर रहे हैं तो आप बस यूट्यूब पर सर्च करिए दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब स्टेलर। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा मेरे चैनल का, और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं जॉब से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज हैं, चाहे वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी हो, चाहे वो आपका प्रोजेक्ट रिलेटेड वैकेंसी जो, चाहे आपका एमएससी पीएचडी एडमिशन रिलेटेड वैकेंसी जो, तो इन सब के जो वीडियोज है मैं रेगुलरली यहाँ पे डालता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप जो है सीएसआई जेआरएफ नीट या बीएससी एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे जो है बायोलॉजी से रिलेटेड जो कंटेंट है वो रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल पे बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट और साथ ही साथ जो जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है उन सब के वीडियोस को रेगुलरली देख सकते हैं। इसीलिए अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जो है बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट और साथ ही साथ जो है जॉब से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं वो नोटिफिकेशन। तो देखिए, जो नोटिफिकेशन आया है ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वास्तु से आया है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, आप जैसे ही SUSKN.in पे क्लिक कर वेबसाइट आप डालेंगे गूगल पे, तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट यहाँ मेंशन कर रखा है, तो जैसे आप एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉलेज जैनम रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर टीचिंग एंड नॉट टीचिंग रेगुलर पोजिशन। तो देखिए यहाँ पे रेगुलर पोजिशन सही है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे पूरा रिक्रूटमेंट नोटिस यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल इंडियन नेशनल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट। तो यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर से रिलेटेड जितनी भी लाइक वैकेंसीज है सारी यहाँ मेंशन कर रखी है, और यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसीज मेंशन कर रखी है कि आपकी कौन सी कैटेगरी में क्या वैकेंसी है। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पॉलिटिकल साइंस, और साथ में यहाँ पे देखिए पोस्ट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इस वे में मेंशन कर रखा है, साथ ही साथ पोस्ट कोड मेंशन कर रखा है, और यहाँ पे कैटेगरी भी मेंशन कर रखी है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ एक अच्छी चीज़ है कि आपको यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सब में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके आप जिस भी सब्जेक्ट में आप एलिजिबल हो तो आप उस सब्जेक्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, मैथमेटिक्स, बॉटनी, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। देखिए यहाँ पे आपको सारी ऑलमोस्ट जितनी भी पोजिशन सबके लिए आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जिस सब्जेक्ट में आप एलिजिबल हैं आप उस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप अगर उस कैटेगरी में अगर आपकी वैकेंसी आ रही तो आप उसके लिए कर सकते हैं, अगर अदरवाइज अगर अनरिजर्व में कैटेगरी है और आप कोई भी लाइक रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी ऑलमोस्ट वैकेंसीज हर सब्जेक्ट में निकाली गई है। ठीक है, देख लीजिए इस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए द ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट टू या ऑनलाइन, तो एप्लीकेशन वो स्टार्ट 7 सितंबर 2021 और जो लास्ट डेट है 6 अक्टूबर 2021 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ हार्ड कॉपी, तो यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करना है। तो आपको यहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, और आपको हर डॉक्यूमेंट को आपको जो है अटेस्ट करना है और आपको सेंड कर देना है रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के थ्रू टू द रजिस्ट्रार सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वास्तु सिद्धार्थ नगर लेटेस्ट बाय 13 अक्टूबर। तो यहाँ पे 13 अक्टूबर लास्ट डेट है आपका हार्ड कॉपी जो रिसीव करने का। यहाँ पे एप्लीकेशन फी है 1500 रुपीज़ फॉर जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए, वहीं अगर आप जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप किसी कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे उस कैटेगरी का जो भी लाइक सर्टिफिकेट है, चाहे वो OBC या SC ST सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तभी आप उस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट डेट देख ले, देखिए तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट 7 सितंबर, क्लोजिंग 6 अक्टूबर, लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 13 अक्टूबर, और जो डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर वो टेंटेटिव जो है वो 11/21 यानी 21 नवंबर को हो सकता है। ठीक है, तो अभी टेंटेटिव है। पब्लिकेशन रिजल्ट वो सब बाकी चीज़ें जो आपको यहाँ पे वो लास्ट में अनाउंस की जाएंगी। ठीक है, तो देखिए हाउ टू अप्लाई, तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, आपको दुल्ली दुल्ली फील्ड एंड एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब फॉर्म शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन, एप्लीकेशन फी आपको पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने, जैसे आपका जो PDF होना चाहिए आपका, लाइक स्कैन कॉपी होने चाहिए आपके, जितने जितने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वो सब, और आपका फोटो सिग्नेचर, ये सारा चीज़ जो है वो सब जो है होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो स्क्रीनिंग होगा वेरियस पोजिशन के लिए, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे बेसिक API इंडेक्स की बेस पे आपको 30 मार्क्स दिया जाएगा, रिटन टेस्ट टू असेस सब्जेक्ट नॉलेज 40 मार्क्स,
जो रहेगा, और इंटरव्यू के लिए आपका 20 मार्क्स, आपका टीचिंग स्किल्स के लिए देखा जाएगा कि आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, तो वहाँ पे वो आपको सेलेक्ट करेंगे कि आपकी टीचिंग स्किल्स आपकी कैसी है, और आप जो है लाइक पढ़ा सकते हैं बच्चों को ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो ये सब सारी चीज़ें जो एसेस की जाएंगी। इसके अलावा इंटरव्यू आपको 10 मार्क्स का आपका रहेगा, तो टोटल यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 100 मार्क्स का रहेगा, तो इसी के बेस पे जो है मेरिट बनेगी, और उस मेरिट के बेस पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। एसोसिएट प्रोफेसर में सिर्फ एपीआई इंडेक्स देखा जाएगा 80 मार्क्स का, और इंटरव्यू 20 मार्क्स का, तो 100 यहाँ पे प्रोफेसर के लिए 80 मार्क्स आपका एपीआई इंडेक्स रहेगा, एपीआई स्कोर, और 20 आपका इंटरव्यू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर रखिए, तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आपका एपीआई स्कोर बने, वो कैसे बनेगा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन का आपका 80% एबो मार्क्स है तो 15 मार्क्स आपको दिया जाएगा, 16% टू लेस देन 80% 13 मार्क्स, तो इस वे में आपको जो है पूरा यहाँ पे एपीआई स्कोर बनाया जाएगा। ऐसे पीजी में आपका 80% एंड अबाउ 25, 60% टू लेस देन 80% 23, ऐसे एमफिल में, पीएचडी में अगर आपका पीएचडी कंप्लीट है 30 मार्क्स, नेट विद जेआरएफ 7, नेट 5/3। ठीक है, तो इनमें से अगर आपके पास कोई भी एक है तो आपको यहाँ पे इस कैटेगरी में कोई एक ही आपको मार्क्स दिया जाएगा, चाहे आपका अगर आपके पास नेट खाली है तो 5 मार्क्स आपको मिलेगा, नेट और जेआरएफ है तो 7 मार्क्स, स्लेट या सेट है तो 3 मार्क्स, ऐसे रिसर्च पब्लिकेशन आपके 2 मार्क्स, इस पब्लिकेशन है यानी मैक्सिमम 10 मार्क्स, यानी कि आप 5 अपने रिसर्च आर्टिकल जो है वो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। टीचिंग और पोस्ट एक्सपीरियंस भी सेम है, आपको मिलेगा 1 ईयर के आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा, और आपने 5 ईयर का एक्सपीरियंस है आपका टीचिंग हो या रिसर्च हो तो आपको यहाँ पे 10 मार्क्स मिलेगा। ऐसे अगर आपको कोई भी इंटरनेशनल नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अगर आपको कोई अवार्ड दिया गया है तो उसका 3 मार्क्स, या स्टेट लेवल का कोई अवार्ड दिया गया है तो उसके लिए आप 2 मार्क्स यहाँ पे आपको दिया जाएगा। तो इस टाइप के बेस पे जो है आपका एपीआई स्कोर बनेगा, और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और उसके बाद इंटरव्यू होगा, और उसके बाद जो मेरिट प्रिपेयर होगी उसके बाद बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, ये एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए है, ये आपके लिए अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे थे, ये उनके लिए जो है एपीआई स्कोर मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आप मोस्टली जो है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये चीज़ अच्छे से देख लें कि आपका जो एपीआई स्कोर है वो किस बेस पे दिया गया, तो मैंने आपको पूरा एपीआई स्कोर बता दिया है कि कैलकुलेशन का आपका कैसा होगा एपीआई स्कोर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आप इस एपीआई स्कोर को एक बार अच्छे से देख लें ताकि आपको यहाँ पे कोई भी जो डाउट है वो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाए। अगर इससे रिलेटेड, इस एपीआई स्कोर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए और मेंशन कर रखिए कि एमएससी एमफिल और पीएच, अगर आपके पास एमफिल भी है और पीएचडी भी है तब भी आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपके पास सिर्फ पीएचडी है तब भी आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, ऐसे अगर आपके पास जेआरएफ और नेट है तो आपके पास 7 मार्क्स, मैक्सिमम 7 मार्क्स मिलेंगे, ये नहीं कि आपके नेट का 5 मार्क्स हो गया, जेआरएफ का 5+7 मार्क्स हो गया, इस वे में नहीं हुआ, तो मैक्सिमम मार्क्स 7 मिलेगा। ऐसे ही अवार्ड कैटेगरी में भी आपको चाहे जितने भी आपके अवार्ड हो तो आपको एक ही अवार्ड का जो मार्क्स हो मैक्सिमम 3 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।